नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से, और यहाँ देख सकते हैं कि शुभम श्रीवास्तवा जी ने कमेंट किया है कि भाई मैं जब एक पेज कॉपी करता हूँ और दूसरे पेज पे पेस्ट करता हूँ तो वो सेंटर में पेस्ट नहीं होता, इधर उधर पेस्ट हो जाता है, इस चीज़ पे एक वीडियो बनाओ भाई। तो सबसे पहले शुभम श्रीवास्तवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि जब आप कॉपी कोई भी मैटर जब कॉपी करके दूसरे पेज में पेस्ट करते हैं तो आपका मैटर जो इधर उधर चला जाता है, तो चलिए मैं आज आपको दो तीन तरीके दिखाता हूँ जो आपका प्रॉब्लम है, मैं उम्मीद करूँगा कि वो सॉल्व हो जाएगा पेज मेकर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप किया हुआ है। अब इस एप्लीकेशन को देखिए, पेज के ठीक ऊपर में ये एप्लीकेशन यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ इसको एज़ इट इज़ इसको दूसरे पेज में इसको पेस्ट करना है, जैसा है वैसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट का मैटर है आपका लिखा हुआ है, तो नॉर्मली क्या कीजिए आप, सबसे बेस्ट यही है कि अगर अलग 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 कुछ यहाँ लिखा है, कुछ अलग यहाँ लिखा हुआ है, तो सबको एक साथ आप ग्रुप कर लें। ग्रुप करने का तरीका सिंपल है, अगर आपने एक ही बार में टेक्स्ट ब्लॉक करके लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर जो हैंगर है, देखिए यहाँ से लेके हैंगर है यहाँ तक, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही टेक्स्ट ब्लॉक से सिलेक्ट करके लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब मैं इस पे पॉइंटर टूल पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही एक हैंगर यहाँ एक हैंगर नीचे बन गया, मतलब पूरा का पूरा ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद एडिट में जाते हैं हम लोग, एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया पूरा मैटर। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसके बाद पेज साइज लेटर ही रखा है मैंने, बाकी एज इट इज़ जो इसमें सेटिंग किया हुआ सेम ऐसे ही रखा हुआ जो है इसका डिफ़ॉल्ट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मैं उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से डायरेक्टली मैं इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ध्यान से देखिएगा ये मैटर जो है मेरा ठीक यहाँ पे, देखिए जहाँ पे था मेरा मैटर एकदम ठीक ऊपर ही ऊपर के पोर्शन में देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो पॉइंटर टूल से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम और भी होता होगा, जैसे ये पूरा मैटर आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मैटर है, अगर मैं इसको यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से फिर से ये पॉइंटर टूल से इसको मैं सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, एडिट में जाके यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। फिर से फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, नया एक डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है, ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे ये जो टूल है टाइप टूल है जिसे हम लोग टाइप करते हैं, इसको मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट ब्लॉक मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखिए मैंने टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे बनाया, मेरा कर्सर यहाँ पे शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक पेस्ट हो, उसके बाद एडिट में जाकर सिंपली यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ठीक मेरा जो जिस जगह से मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बनाया था ठीक उसी जगह से मेरा ये जो मैटर है यहाँ पर पेस्ट हो गया है। फिर से देख लीजिए एक बार, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे नॉर्मल सा मेरा यहाँ पे पेज यहाँ पे देखा आपने। अब इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बार कॉपी हो चुका है, मैं जो मैटर है यहाँ से वो पेस्ट हो, इस जगह पे पेस्ट हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट हो, ऊपर का ये हिस्सा खाली रहे। तो कर्सर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया, एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेस्ट किया तो ठीक यहाँ पे इस जगह से लेके यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे गैप हो गया, अब ठीक मैटर में यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट हो गया। अब बहुत बार ऐसा भी होता है जो मैंने पेस्ट किया है उसको मुझे सेंटर में करना है टेक्स्ट को, थोड़ा सा मैं इसको राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज़ कर देता हूँ जिससे आप समझ पाइएगा अच्छी तरह से। अब जैसे ये मैटर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ध्यान से देखिएगा पेस्ट किया है, अब पूरा का पूरा जब आप हो सकता है उसको सेंटर में करना है तो सिंपली सिलेक्ट करके आप यहाँ अलाइनमेंट में जाके यहाँ से भी आप अलाइन है टाइप में जाके यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा मैटर देखिए इस तरह सेंटर में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट आपका इधर उधर हो रहा है तो टेक्स्ट का मैटर को आप सेंटर राइट लेफ्ट आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका रहा। अब मैं आपको और एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो होता होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये देखिए आप, जैसे ये जो पूरा मैटर है जो पहले मैंने जिस पेज में मैंने आपको दिखाया था उस पेज पे वापस आ जाते हैं,
ये जैसे मेरा टेक्स्ट है, देख लीजिए मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे जैसे ये एक सर्कल बनाया, मान लेते कोई शेप यहाँ पे रखा हुआ है, ये शेप एक और है, एक शेप यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप मैंने रख दिया। अब देखिए ये शेप यहाँ पे, इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास मैटर भी है, टेक्स्ट मैटर भी लिखा हुआ है, प्लस एक सर्कल शेप बना हुआ, प्लस ये भी मैटर है। तो बेस्ट यही है सबको, अगर मैं चाहता हूँ इस शेप को, इसको सबको सेंटर में इसको लाना है, उसके बाद दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो सेम उसी तरह आए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ये तीनों जो मैटर है, ये टेक्स्ट प्लस ये और ये तीनों को आप ये पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए और तीनों को इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया तीनों को। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। फिट इन विंडो पे क्लिक किया, अब ध्यान से देखिएगा ये टेक्स्ट मैटर, ये सर्कल है, एक यहाँ पे स्क्वायर शेप है। अब उसके बाद ये पॉइंटर टूल पे क्लिक करते हैं हम लोग, करने के बाद ये तीनों को, ये मैं यहाँ से पूरे को तीनों को, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए इसको भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हैंगर आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, ये शेप में देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखिए ये भी दिखाई दे रहा है, तीनों सिलेक्ट है। तो तीनों को सबसे पहले मान लेते हैं सेंटर में, मैं चाहता हूँ ये भी सब सेंटर में बराबर मेरा है, तो इसको अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ पे इसको, यहाँ पे अलाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट भी है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का, देखिए इस तरह का लाइन ऑब्जेक्ट का इस तरह का एक बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। वो चाहते हैं कि ये पूरा जो मैटर है, ये सर्कल अगर बीच में चाहते हैं यहाँ पे बीच में आने के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन मुझे बीच में नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो इसके बगल में ठीक यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए तीनों इस तरह का लेवल में तीनों दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, इधर वाला, प्लस ये वाला अलाइन वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब तीनों को अलग अलग करने के लिए। यहाँ पे देखिए एरो से आप समझ सकते हैं, ये देखिए एरो से यहाँ से आप दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे इसको आप ऑन रखिएगा, इस सेंटर में कीजिएगा नीचे वाला। अगर मैं इसको इधर करूँगा तीनों मैटर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। ये देखिए सेंटर में कर दिया, तीनों को अलग अलग करके रखा है। अभी देखिए इधर है, इधर है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तीनों एक बराबर में आना चाहिए, मतलब ये दोनों मैटर और टेक्स्ट मैटर तीनों बराबर में सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए ऐसे है, उसके बाद इसको ऑन रखा है, प्लस इसको यहाँ पे अलाइन में ये बीच वाला ऑन रखा है, इधर राइट हैंड साइड वाला ऊपर वाला यहाँ पे इसको रखा है, प्लस इसको, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो सर्कल था मेरा ठीक स्क्वायर बॉक्स जो इधर था, तीनों देखिए एकदम ठीक लेवल में, तीनों एकदम बराबर में आ चुका है, एकदम सेंटर पोजिशन में। ये टेक्स भी मेरा एकदम ठीक सेंटर पोजिशन में है, देख सकते हैं। यहाँ पे लाने के बाद इसको आप यहाँ से एडिट से पॉइंटर टूल से ही आपको सेलेक्ट करना होगा, ये सिलेक्टेड है, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो सिलेक्ट कर लीजिए फिर से। ये देखिए तीनों सिलेक्ट कर लिया मैंने, एडिट में जाते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, फिर से हम लोग नया पेज एक लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया, ओके पे क्लिक करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, पेज में आ गए, सिंपली आप एडिट में जाकर यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए तीनों जैसा था एज इट इज़ उसी तरह का सेंटर में, देखिए ये टेक्स्ट प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे देखिए सब पेस्ट हो गया, जैसा था वैसे पेस्ट हो गया। और भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे, और मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपको कि जो टेक्स्ट है, मान लेते हैं इसको मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, यहाँ से ये आपका टाइप टूल है, इससे मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा मैटर को, यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लिया, इसी टाइप टूल से ही पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एडिट में जाके यहाँ से कॉपी कर लिया, ये भी मैंने कॉपी किया, फिर फाइल में जाते हैं, फिर एक नया पेज लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप टूल क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट ब्लॉक, ये देखिए मैं टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें अगर इसको अलाइनमेंट करूँगा, बीच में करूँगा, तो टेक्स्ट मेरा इधर से उधर हो जाएगा। तो आप जैसा है इस तरह भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, टाइप में जाकर अलाइनमेंट इधर आपको रखना है, राइट में सेंटर में सेंटर करेंगे तो मैटर इधर से उधर हो जाता है। तो जैसा है टाइप में जाकर अलाइनमेंट में जाकर इसको लेफ्ट में ही रखिए। तो इस तरह भी कर सकते हैं। और जब बहुत बार ऐसा भी होता होगा, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, अगर मैं यहाँ से ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ यहाँ से, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है। अब यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं, ये जो मैटर है मेरा यहाँ पे सेंटर में इसको कर दिया, देखिए मैं टेक्स्ट कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में है। अब यहाँ से एडिट से मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर अपने पेज मेकर में आते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है, ओके पे क्लिक करते हैं।
अब आप चाहें तो ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, एडिट में जाइए, सिंपली इसे पेस्ट कर दीजिए। देखिए जैसा था मेरा टेक्स्ट, ठीक जैसा जैसा आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए, जैसा था पेज में देखिए इस तरह था, देख सकते सेंटर में था। तो ये भी मैटर देखिए मेरा सेंटर में, ये देखिए मैटर भी मेरा सेंटर जैसा था, अलाइनमेंट सेम उसी तरह का आ चुका है। तो सिंपल तरीके से आप इसी तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसे सेंटर में ला सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया शुभम जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं तरीके बताएं आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है और कहीं प्रॉब्लम आपको लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।